हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर डूइंग फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का मैथ्स है। सो अब तक हमने इसके दो आर्टिकल्स कर लिए थे और लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन भी देखा था। सो टुडे वी डिस्कस आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, तो देखिए स्ट्रीम फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। द डिफरेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स मेजर द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच फ्लो बिटवीन द टू स्ट्रीम लाइन्स पर यूनिट डेप्थ इन यूनिट टाइम। सर ये क्या कहती है कि अगर हम दो स्ट्रीम्स लाइन लेते हैं, स्ट्रीम लाइंस लेते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्ट्रीम फंक्शंस होंगे जिनका डिफरेंस क्या मेज़र करता है, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच फ्लो बिटवीन द टू स्ट्रीम लाइंस पर यूनिट डेप्थ इन पर यूनिट टाइम। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कंसिडर क्या करना है, कंसिडर टू डायमेंशनल मोशन of an incompressible fluid, also consider the two stream lines corresponding to psi is equal to psi 1 and psi is equal to psi 2. तो हमने दो we consider two stream lines corresponding to psi is equal to psi 1 and psi is equal to psi 2. So हमने दो stream lines को consider किया है, that is one is A, that is size equal to psi 1, and second is B, size equal to psi 2. Take two points A and B respectively on size equal to psi 1 and size equal to psi 2, right? And join A and B by some curve. और उस A और B को by some curve C हमने join करना है. The rate of flow across C per unit depth is given by, तो C के across जो हमारा rate of flow होगा वो क्या होगा, Q is equal to integration from A to B Q vector dot n cap ds, which is equal to integration A to B Q vector dr vector cross k cap, right? Where ds क्या है हमारा, small element on the surface, dr is a vector along the curve and k cap is a unit vector normal to the plane of flow. Now integration a to b q vector, यहाँ पे हमारा क्या था, dr vector cross k cap, यही था। dr vector क्या होता है, in two dimension dx i cap plus dy j cap, and three dimension dx i cap plus dy j cap plus dz k cap. So we are taking two dimension, so dx i cap plus dy j cap cross k cap. Now as we already know from the vector calculus from graduation, if we take i cap into j cap, the answer will be minus of j cap, right? देखिए we have the unit vectors i cap, j cap, k cap, right? I cap into j cap gives k cap, j cap into k cap gives i cap, and k cap into i cap gives j cap. But if the we take anti-clock vectors like j cap into i cap, then we have minus of k cap. See, j cap cross i cap हमारे पास क्या बनेगा, minus of k cap, because i cap cross j cap is equal to k cap. So यहाँ पे हमारा जो multiplication होती है, जो cross product होती है, वो reverse हो जाती है, तो उस केस में negative साथ आता है। सो यहाँ पे i cap के साथ अगर हम j cap की करते हैं, सो माइनस ऑफ j cap आएगा, dx as it is, एंड i cross k क्या होगा, माइनस ऑफ j, बिकॉज k cross i इज़ इक्वल टू j,
बट हेयर वी हैव आई क्रॉस के विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे, राइट. नाउ सेकेंड इज डिवाइड एज इट इज जे कैप क्रॉस के कैप विच इज राइट, राइट. जे के बाद के ही आता है. सो हेयर वी हैव आई कैप विथ पॉजिटिव साइन. नाउ आई आई के साथ बिकॉज आई डॉट आई इज इक्वल टू वन, राइट. देन यू आई मतलब यू एंड डी वाई इज इक्वल टू यू डी वाई वी जे डॉट माइनस ऑफ डी एक्स जे 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 कैप इज इक्वल टू वन जे डॉट जे कैप इज इक्वल टू वन राइट फ्रॉम द वैक्टर कैलकुलस. सो हेयर वी हैव माइनस ऑफ वी डी एक्स, राइट. नाउ वी नो डैट फ्रॉम द स्ट्रीम फंक्शन यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल साई अपॉन कर्ल वाई वी इज इक्वल टू कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स. वैल्यूज पुट की एंड दिस इज अकॉर्डिंग इफ वी टेक द माइनस कॉमन वी हैव विच इज इक्वल टू दिस आई. सो नेगेटिव भी साथ आएगा, इंटीग्रेशन कैंसिल विद डेरिवेटिव. सो वी हैव साई विद ए टू बी ए पे हमारा स्ट्रीम फंक्शन क्या था साई वन एंड बी पे क्या था साई टू एंड वैन वी पुट लिमिट बी साई टू माइनस साई वन इज इक्वल टू साई वन माइनस टू साई टू यही हमने शो करना था. सो वी प्रूव्ड इट. सो आई होप यू विल गेट एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.